हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी में। लेके आ गया हूँ आप सबके लिए अगला लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर 3 इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जिसका पहला पोर्शन था लिटरेरी सोर्सेस, हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे के सोर्सेस क्या क्या थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, कौन कौन सी चीज़ों से सोर्सेस से हमें सारी जानकारी मिलती है, वो आगे देखने वाले हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ ऑल अबाउट माई एन अकेडमी, जहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं। वहाँ पे आप तरुण तिवारी कोड डाल के कोई भी कोर्स परचेज करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, UPSC, PSC, SSC, बैंकिंग, कोई भी GS पोर्शन, या आपको कोई भी मैथ्स, एनीवन कुछ भी, कोई भी चीज़ आपको कोर्स परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सर ऑल लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेंगे, लेसन्स बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स, वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें। बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इस नए लेक्चर में, क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने बता दिया आपसे, लिटरेरी सोर्सेस हमने देख लिया था, अब हम देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या, जैसे बाकी जैसे जो पुरानी वस्तुएं हुआ करती थी, जब एक्सकवेशन में मिलती थी, जैसे हजारों लाखों साल पुरानी वस्तुएं, तो उनसे हमें क्या क्या पता चलता था, कितनी पुरानी है, उस समय के लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किया करते थे, कितनी पुरानी है, किस किस फॉर्म में, जैसे कि हड्डियों के फॉर्म में, अभूषण, सारी चीज़, इन सब चीज़ों से पता चलता था उनका कैसी जीवन शैली थी। तो सारी चीज़ों की जानकारी के लिए बिना हमारे पास किसी एविडेंस के हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये जब खुदाई वगैरह होती थी, एक्सकवेशंस वगैरह होते थे, तो ऐसे सारी चीज़ें मिलती थी, जिनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ की जाती थी, जो हमारे पास पास्ट में रहते थे, सालों हजारों साल पहले जो लोग रहते थे, जो सिविलाइजेशंस होती थी, तो उसके थ्रू हमें पता चलता था। तो जैसे लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा, किताबों के माध्यम से हमें पता चला, जो बड़े बड़े राइटर्स, ट्रेवलर्स, ये सब लिख के जा चुके हैं। तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें ये पता चलेगा, जो डिफरेंट काइंड्स की वस्तुएं, आभूषण, हड्डियाँ, ये सब सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ डेली यूजेस की चीज़ें जो यूज़ करते थे उस समय के लोग, तो उससे के थ्रू हमें कौन कौन सी चीज़ें पता मिली खुदाई में, क्या क्या चीज़ें हमें पता चला उनके बारे में, सोसाइटी उनकी कैसे हुआ करती थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्या है जिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में, जैसे सारी चीज़ें हमें पता लगता है इसके माध्यम से, इसके माध्यम से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, हमारे नॉलेज को इन्हेंस किया, सारी इंफॉर्मेशंस को हमें दिया, कितनी साली पुरानी आपकी सारी इंफॉर्मेशंस थी। उसके बाद हमारा जो आप देखते होंगे एक अथेंटिक सोर्स माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हमें कितनी सारी जानकारियाँ मिली वहाँ पे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मन हड़प्पा प्रूव करती हैं यहाँ की सारी कितनी पुरानी चीज़ें, प्राचीन काल चीज़ें, जो हमें 5000 साल पुरानी चीज़ें लगभग मिली, कि वहाँ की सोसाइटी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिविलाइजेशन बसा करती थी। तो ये सब चीज़ें कैसे मिली, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू ही मिली। तो ये सब चीज़ें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्या है प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स फाउंड द एग्जिबिशन हैव शोन द ह्यूमन एक्टिविटीज हैड स्टार्टेड हियर एज अर्ली अबाउट 2 मिलियंस ईयर एगो, लगभग 20 लाख वर्ष पहले आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो थी स्टार्ट हो चुकी थी। एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे हिस्ट्री की जानकारी के बारे में। इनहेंस द नॉलेज ऑफ इंडियाज पास्ट, तो जैसे एपिग्राफी मीन्स, एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, एग्जाम में भी आपसे पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आपके आ जाएगा कि एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन, मेडल्स एंड पेपर मनी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस के फॉर्म में भी, और आपके मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखिएगा कौन सी स्टिक किस काम के लिए आती है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, ये सब सारी चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा इंस्क्रिप्शंस जो हुआ करते थे पत्थरों पे, जो लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन, खुदाई वगैरह होती थी पत्थरों पे, तो इनकी स्टडी में एपिग्राफी का मतलब होता है, न्यूमिस्मेटिक मतलब जो कॉइन्स वगैरह में जो पंचमार्क कॉइन्स हुआ करते थे, मेडल्स हुआ करते थे, इनकी स्टडी यानी मुद्रा शास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ बोल रहा, कॉइंस आर एन इम्पॉर्टेंट न्यूमिस्मेटिक सोर्स दैट टेल्स अबाउट द इंडो ग्रीक सकअप अथन एंड कुशान किंग। हुआ क्या करता था कि जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी वगैरह सब हुआ करते थे, इंडो ग्रीक्स वगैरह भी जो हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने पंचमार्क कॉइंस चलाए लार्ज नंबर पे, तो इनके द्वारा पता चलता है कि जब खुदाई में निकले तो क्या क्या उनके जैसे क्या क्या हुआ करता था पहले की जो कॉइंस वगैरह हुआ करती थी उसमें वो लोग अपना नाम अपनी इमेज वहाँ की उस समय जो डिवोटीज हुआ करती थी तो उनके भी इमेज, तो कई सारी चीज़ से पता चलता है ना कि उस समय कैसे सर्कुलेशन था, मनी का सर्कुलेशन, कॉइन का सर्कुलेशन, तो सारी चीज़ें उसमें वो क्या करते थे उसमें इनपुट करते थे, तो जिसकी वजह से हमें सब सारी जानकारी मिलती है। तो इंक्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोके के जो इंक्रिप्शन थे एंड समुद्रगुप्ता प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। उस समय की कई सारी जानकारियां हमें मिलती हैं जो इंक्रिप्शन में सारी जानकारी इन्होंने इंसर्ट करवाई थी अशोका और समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है। पहले क्या हुआ करता था कि जो आपके पत्थर और रॉक एडिक्ट वगैरह हुआ करता था उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग अपने बारे में लिख देते थे, प्रशस्त पत्र वगैरह हुआ करता था जिसके थ्रू हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। द स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन रिवील्स द वर्ल्ड अबाउट द अशोकास व्यू ऑन धर्म, रिलीजन के प्रति उसकी क्या व्यूज थी, धम्मा आदि होगा आप लोगों को, एंड कॉन्क्विस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता ने कितने सारे, अगर समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसने अपने सारी कौन के उसको कैसे क्या आपके इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये आपके समुद्रगुप्ता से ही रिलेटेड है, उसकी उस पर सारी चीज़ें अपना पूरा वर्णन हुआ करता था, ये सब जानकारियाँ मिली हैं। सब अगर ना करवाते तो सोचिए हमें उस सब सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सब सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे सामने आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स, जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं जो क्या कहते हैं हमारे देश में देखते होंगे, तो वो सब जो जैसे मोनूमेंट्स में आपके क्या क्या आते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे, बुद्धिस्ट के आपके स्तूपा वगैरह हुआ करते थे, सब जो मोनूमेंट्स है सांची स्तूपा हुआ, इसके थ्रू हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या। जैसे टेम्पल एंड आपका स्कल्पचर डिस्प्ले द आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रॉम गुप्ता पीरियड। ओके टू रिसेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द लार्ज केव्स ऑफ चैत्य एंड बिहार, ये क्या होता था यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड बिहार, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या हुआ करते थे। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा एग्जाम में पूछ लेते हैं कैलाश टेम्पल कहाँ पे है एलो, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रथ एट माली महाबलीपुरम, ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वन वर्ड में भी आपके क्वेश्चन आते हैं सारी चीज़ें, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद कह रहा है एग्जीबिशन ऑफ द सिटीज़ ऑफ मोहनजोदाड़ो, जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा मोहनजोदाड़ो इज अ प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, दो मेन सिटीज़ हुआ करती थी उस समय, जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें हड़प्पा के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी एट दैट टाइम, हड़प्पा भी आपकी वन ऑफ द एंशियंट, सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई स्टार्ट हुई थी, दैट्स वाई नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं इन दो जगहों से भी। फिर आता है हमारा हिस्टोरिक साइट्स सच एज कालीबंगम, ये सब आपकी बहुत बड़ी साइट्स हुआ करती थी उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कालीबंगम हो गया, लोथल हो गया, धवलावीरा एंड राखीगढ़ी आर द कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन उसी टाइम पे, जैसे हमारे ये सब हमारे देश में है कालीबंगम लोथल धवलावीरा एंड राखीगढ़ी वगैरह। हड़प्पा सिविलाइजेशन का पता द एरिया ऑफ गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सब हम आगे चल के अपने एक पूरे चैप्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इस पूरी चीज़ों का कि आपका लार्जेस्ट साइट्स कहाँ पे थी, ईस्टर्न वेस्टर्न आपकी नदर्न सदर्न सदर्न मोस्ट साइट्स कौन सी थी, ईस्टर्न मोस्ट साइट्स की सारी चीज़ों की एक करके सारी चीज़ों को और ए टू जेड सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इसमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ तक एरिया कवर करती थी। फिर कह रहा है डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज द पीरियड बिटवीन 1500 to 600 BC, ये वाला जो पीरियड कहा जाता है डार्क पीरियड कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है अबाउट द पास्ट रिलेटेड, सारी चीज़ें नहीं मिलती है उसमें, एग्जीबिशन वगैरह भी एग्जीबिशन में जो सारी चीज़ें मिली इस पीरियड की जानकारी हमें कम मिलती है, और भी कई सारे लिटरेरी सोर्सेस में भी कम जानकारी मिलती है, तो एक तरीके से वो डार्क पीरियड कहा जाता है, अंधेर अंधरा अंधकार युग की तरह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
फिर आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ में आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर ये सब आप देख रहे होंगे सारी चीज़ों, ये सब पहले उस समय लोग बनाते थे, सारी चीज़ों का एक क्राफ्ट था, एक आप उनकी क्रियाकलाप जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी ये सब पहले आपके पास्ट में सबके हुआ करती थी। वो लोग इस तरह के जीवन यापन के लिए सब डिफरेंट चीज़ें बनाया करते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, मालवा एंड जौरे कल्चर है फिल्ड विद क्रोनोलॉजिकल गैप्स वेल डेवलप्ड जियोग्राफिकल कॉन्स्टेंट। ओके चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज डिस्प्लेस। तो इंडिया है डोमेस्टिकेटेड सीप्स एंड गोट्स एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर अबाउट 8000 ईयर एगो। जो इंडियंस थे वो लोग जो है सबसे पहले किसका पशुपालन वगैरह किए, सीप्स एंड गोट्स वगैरह का, और लगभग 8000 साल पहले उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया। एंड आयरन मेटल केम इन रेगुलर अबाउट 1600 BC। ओके द ट्रेडिशन ऑफ रॉक पेंटिंग इंडिया इज प्रूव टू मोर देन 12,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, जो रॉक पेंटिंग वगैरह हुआ करती थी 12,000 साल पहले की लगभग मानी जाती हैं। फिर उसके बाद टूल्स एंड रिमेन्स फाउंड द कश्मीर एंड नर्मदा वैली टूल्स वगैरह, तो आप पाएंगे एक एक चीज़ करके कहाँ कहाँ पे चीज़ें मिली नर्मदा और कश्मीर वैली में, बहुत सारे टूल्स मिले, एक्स वगैरह जिससे कुल्हाड़ी वगैरह जो मिली उस समय यूज़ किया करते थे सब खुदाई वगैरह में मिला। सो प्रूव करते हैं कि उस समय लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आपकी क्या कहते हैं कि जानवरों को शिकार करना इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग फाउंड एज ए 2 मिलियन ईयर को, लगभग 20 लाख पहले साल पहले ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए सारी चीज़ों का जिसको हमने अभी सारी चीज़ों का आपसे चर्चा किया। ओके रिवीजन करते रहिए, फिर उसके बाद अगला लेक्चर आएगा उस पर हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। जितना भी चीज़ों मैंने किया उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे दूँ ताकि आपके पास एक पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो, आप रिवाइज़ कर सकें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, आपके पास रखें, जिस भी फॉर्म में आप पढ़ना चाहें उसको लेके पढ़ सकते हैं। ओके चलिए, गुड लक फॉर यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।